सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके भी मोबाइल में वीडियो एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके भी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करेंगे, ऐसा एंटर पर जा सके, एक ऑप्शन आएगा सेट ऐप का, ऐप पे क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन आएगा मैनेज ऐप का, मैनेज ऐप पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, जो भी वीडियो एप्लीकेशंस है इस वीडियो एप्लीकेशंस पे आपको क्लिक करना है। तो इसलिए यहाँ से मैं वीडियो एप्लीकेशंस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, ऑप्शन आएगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा कलर डाटा का, इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कलर और डाटा, इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का जितना भी डाटा रहेगा, जितने भी वायरस रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके भी मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।